अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ फिज़िक्स क्लास चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स एंड आई एम योर फिज़िक्स टीचर मिस रदा खान। कल हमने डिस्कस किया था नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के बारे में। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर जो है ग्रेटर देन 82 है, वो अपने अंदर से ऑटोमेटिकली रेडिएशंस को इमिट आउट करता है, उसे कहते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में थ्री तरह की रेडिएशंस एमिट आउट होती हैं। एक हमने पढ़ा था अल्फ़ा पार्टिकल्स, दो था बीटा पार्टिकल्स और तीसरा था गैमा रेडिएशंस। ठीक है, ये तीन तरह के रेडिएशंस हैं जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में इमिट आउट होती हैं। जब भी किसी एटम का एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 होगा तो वो अपने अंदर से ऑटोमेटिकली रेडिएशंस को इमिट आउट करेगा, उस प्रोसीजर को हम कहते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, ये सबसे पहले 1896 में बैक्टरल ने डिस्कवर किया था कि यूरेनियम साल्ट जो है वो अपने अंदर से रेडिएशंस को इमिट आउट करता है क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर क्या है 92, विच इज़ ग्रेटर देन 82। ठीक है, उसके बाद मैरी क्यूरी और उसके हस्बैंड ने डिस्कवर किया था प्लूटोनियम और रेडियम जो हैं वो भी नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं जो अपने अंदर से ऑटोमेटिकली रेडिएशंस को इमिट आउट करते रहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है बैकग्राउंड रेडिएशंस। बैकग्राउंड रेडिएशंस क्या होती हैं कि हमारी जो एटमॉस्फेयर में इन्वायरमेंट में जो सब्सटेंसेस मौजूद हैं वो अपने अंदर से माइनर क्वांटिटी में ही लेकिन थोड़ी बहुत क्वांटिटी में रेडिएशंस को इमिट आउट करते हैं और वो हमारे इन्वायरमेंट में क्या बनाते हैं बैकग्राउंड रेडिएशंस। ठीक है, बैकग्राउंड रेडिएशंस क्या होती हैं इसकी डेफिनेशन है, पहले मैंने मार्क की हुई है स्टार से, रेडिएशन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर ड्यू टू डिफरेंट रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस आर कॉल्ड बैकग्राउंड रेडिएशंस। ठीक है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं उनकी वजह से एटमॉस्फेयर में जो रेडिएशंस हैं उनको हम कहते हैं बैकग्राउंड रेडिएशंस। ठीक है, एवरीवेयर इन रॉक्स सॉयल वाटर एंड एयर ऑफ आवर प्लैनेट आर ट्रेसेस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, मतलब ये सारे सोर्सेज ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, इनकी वजह से जो रेडिएशन एमिट आउट होती हैं इनमें से इन्हें कहते हैं बैकग्राउंड रेडिएशंस। ठीक है, दिस नेचुरल रेडिएशन इज़ कॉल्ड बैकग्राउंड रेडिएशन, इनकी वजह से जो रेडिएशंस क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट हैं बहुत ज़्यादा, तो इनमें से जो रेडिएशंस एमिट आउट होती हैं उनको हम कहते हैं बैकग्राउंड रेडिएशंस। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट डेफिनेशन है कॉस्मिक रेडिएशंस। कॉस्मिक रेडिएशंस क्या होती हैं, द अर्थ एंड ऑल लिविंग थिंग्स ऑन इट ऑल्सो रिसीव रेडिएशन फ्राम आउटर स्पेस, मतलब कि हमारे एटमोसफेयर में जो रेडिएशंस हैं उसके अलावा भी आउटर स्पेस से जो रेडिएशंस आ रही हैं उन रेडिएशंस को हम कहते हैं कॉस्मिक रेडिएशंस। ठीक है, जो इब्तदाई तौर पे किस पे मुश्तमिल होती हैं, प्राइमरीली कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स आयंस अल्फा पार्टिकल्स एंड लार्ज न्यूक्लियस। ठीक है, ये सारे जो हैं ये इब्तदाई तौर पे प्राइमरीली तौर पे जो हमारे पास कॉस्मिक रेडिएशंस होती हैं वो प्रोटॉन्स आयंस अल्फ़ा पार्टिकल्स और लार्ज न्यूक्लियाई पे होती हैं। जब ये रेडिएशंस आउटर स्पेस से हमारी स्पेस में आती हैं तो हमारी स्पेस की रेडिएशंस के साथ बैकग्राउंड रेडिएशंस के साथ ये कॉस्मिक रेडिएशन इंटरेक्ट करती हैं, इंटरेक्ट करने से ये सेकेंडरी रेडिएशंस बनाती हैं जिसमें हमारे पास एक्स रेज आ जाते हैं, मियोन्स आ जाते हैं, प्रोटोन्स अल्फ़ा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, कॉस्मिक रेडिएशंस सेकेंडरी रेडिएशंस की डेफिनेशन स्टार्ट हो रही। कॉस्मिक रेडिएशन इंटरेक्ट विद एटम्स इन द एटमॉस्फेयर टू क्रिएट अ शावर ऑफ सेकेंडरी रेडिएशंस इंक्लूडिंग एक्स रेज, मियोन्स, प्रोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यहाँ तक बैकग्राउंड रेडिएशंस, इसमें हमने तीन डेफिनेशंस की हैं बैकग्राउंड रेडिएशंस की, कॉस्मिक रेडिएशंस की और सेकेंडरी रेडिएशंस की। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। ठीक है, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन जो है वही प्रोसेस है कि जिसमें एक अनस्टेबल, लेट्स सपोज हमारे पास एक यूरेनियम एटम है, ठीक है, यूरेनियम एटम है जिसका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 है, विच इज़ अनस्टेबल न्यूक्लियाई। ठीक है, उसको हम कहते हैं अनस्टेबल पेरेंट न्यूक्लियाई। पेरेंट मतलब जो, जैसे हम कहते हैं हम हमारे पेरेंट हैं उनके हम डॉटर या फिर सन हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो एक अनस्टेबल पेरेंट न्यूक्लियाई है यूरेनियम, वो टूटता है और टूट के दो अनस्टेबल, सॉरी टूट के स्टेबल न्यूक्लियाई बनाता है, डॉटर स्टेबल न्यूक्लियाई, इसे हम कहते हैं
न्यूक्लियर ट्रांसमोटेशन, और साथ में क्या होता है, रेडिएशन एमिट आउट होती हैं। डेफिनेशन है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन विच अपेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाइड, न्यूक्लियाइड मैंने आपको बताया था जब मोर देन वन न्यूक्लियस होगा उसे हम कहते हैं न्यूक्लियाइड, चेंजेस इनटू अ मोर स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाइड विद द एमिशन ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड न्यूक्लियर ट्रांसमोटेशन। मतलब कि ऐसा प्रोसेस जिसमें एक अनस्टेबल पेरेंट न्यूक्लियाई है वो टूट जाता है और टूट के स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाई में चेंज हो जाता है और साथ में रेडिएशन एमिट आउट होती हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर ट्रांसमोटेशन। और रेडिएशंस कौन कौन सी होती हैं वो हमने पढ़ी हैं, अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेज। ठीक है, अब इसमें कुछ रिप्रेजेंटेशन लिखी हुई है, आपने इस चीज़ को देखना है, नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन है। नाउ वी रिप्रेजेंट रेडियो एक्टिव डिके बाय मींस ऑफ अ न्यूक्लियर इक्वेशन इन विच एन अनस्टेबल पेरेंट न्यूक्लियाई, पेरेंट न्यूक्लियाई को हमने एक्स रिप्रेजेंट किया है, चेंजेस इनटू अ डॉटर न्यूक्लियाइड विद एमिशन ऑफ एन अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेज। सबसे पहले जो इक्वेशन है वो अल्फ़ा डिके की है, ठीक है, इसकी जो पहले ऊपर लिखी हुई है एक्स और वाई से रिप्रेजेंट की है वो जनरल इक्वेशन है। जनरल इक्वेशन में है एक्स जी ए, ये पेरेंट न्यूक्लियाई है, ठीक है, अनस्टेबल न्यूक्लियाई, वो चेंज होगा इनटू डॉटर न्यूक्लियाई में जिसमें जी जो है वो माइनस टू होगा, ए माइनस फोर। मतलब कि ऐसा न्यूक्लियस जिसके अंदर एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे वो अपने अंदर से अल्फ़ा पार्टिकल को डिके करेगा। ठीक है, लेट्स सपोज एक न्यूक्लियस है उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ज़्यादा होंगे, ठीक है, वो अंदर अपने अंदर से दो प्रोटॉन को और दो न्यूट्रॉन को इमिट आउट करेगा, और वो हम इमिट आउट करने के बाद हमारे पास कौन सा पार्टिकल इमिट आउट करेगा, अल्फ़ा, ठीक है, और साथ में एनर्जी हर रिएक्शन में क्या होगी, इमिट आउट होगी एक्स। अब ये देखिए हीलियम न्यूक्लियस है, हीलियम न्यूक्लियस आपको पता है उसमें टू प्रोटॉन्स और टू न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसकी जो एग्जांपल है उसमें रेडियम है, रेडियम 88 है, 226 इसका क्या है एटॉमिक मास नंबर। जब ये अपने अंदर से अल्फ़ा पार्टिकल को इमिट आउट करेगा तो रेडॉन करेगा जिसमें से 86 उसका एटॉमिक नंबर है, 222 जो है उसका एटॉमिक मास नंबर, और साथ में एनर्जी निकलेगी। नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई, इट मीन्स दैट एन अल्फ़ा डिके द प्रोटॉन नंबर और एटॉमिक नंबर जी ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई रिड्यूसेस बाय 2 एंड इट्स मास नंबर और न्यूक्लियॉन नंबर डिक्रीजेस बाय 4। उसके बाद है बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल में क्या होता है, किसी भी पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाई में से जब एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है, बीटा डिके में और अल्फा डिके में क्या फ़र्क है, बीटा डिके में सिर्फ और सिर्फ एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन्स होगी किसी न्यूक्लियाई में तो वो अपने अंदर से बीटा पार्टिकल को इमिट आउट करेगा, जबकि अल्फ़ा पार्टिकल तक कब डिके होगा, जब किसी भी न्यूक्लियाई में, अनस्टेबल न्यूक्लियाई में एक्सेस ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होंगे, ठीक है, तो जब हमारे अंदर से किसी भी एटम के अंदर से एक न्यूट्रॉन निकल जाएगा तो उसमें प्रोटॉन क्या हो जाएगा, ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा तो Z प्लस आ जाएगा, एटॉमिक मास नंबर क्या हो जाएगा, सेम, क्योंकि एक प्रोटॉन, अगर एक न्यूट्रॉन निकला तो एक प्रोटॉन ज़्यादा हो गया तो एटॉमिक मास नंबर सेम होगा, बस एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, ज़्यादा। और बीटा पार्टिकल जो है इट्स लुक लाइक अ इलेक्ट्रॉन विच इज़ नेगेटिव पार्टिकल, और बीटा पार्टिकल भी नेगेटिव है, बस इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के और अराउंड रिवॉल्व करता है, जबकि बीटा पार्टिकल है जो न्यूक्लियस के अंदर से इमिट आउट होता है और साथ में एनर्जी इमिट आउट होगी। इसकी एग्जांपल में है कार्बन 614 नाइट्रोजन में चेंज हो गया, देखो एटॉमिक नंबर 7 हो गया लेकिन एटॉमिक मास नंबर सेम है, और इलेक्ट्रॉन एक बीटा पार्टिकल निकला है और प्लस एनर्जी। इन बीटा डिके द पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैज़ इट्स प्रोटॉन नंबर जी इंक्रीज बाय 1 बट इट्स मास नंबर और न्यूक्लियॉन नंबर ए रिमेंस अनचेंज्ड।